ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज पहले मेरे बाप दादा की 16 जनवरी 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवाह में हो, अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा खाना, यह शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। आज का प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? उत्तर, दान करना। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वह है जो सुन करके धारण करे और फिर दूसरों को भी दान करे। ज्ञान रत्नों का बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो वह बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है और 5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं और बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। यह है ही नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह नहीं सकते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। ऐसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई का और चरण का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और कैरेक्टर। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई भी पढ़ा नहीं सकते हैं। रचिता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है। यह कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी है, वह प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे, हम रचिता और रचना को नहीं जानते हैं। नेति नेति कहते आए ना, ऋषि मुनि भी नहीं जानते। बाबा ने आकर के अपनी पहचान दी है, मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, सारी बातें बताई है बाबा ने। गाया भी जाता है, यह है कांटों का जंगल, तो जंगल को आग जरूर लगनी है। फूलों के बगीचे को कभी भी आग नहीं लगती है, क्योंकि जंगल सारा सूखा होता है, बगीचा हरा भरा होता है। जंगल में क्या फर्क है? बगीचा स्थापन हुआ था। बाबा कहते हरे बगीचे को कभी आग नहीं लगती है, सुखों को आग झट लग जाती है। हरे को पता है यह है ही बेहद का जंगल, इनको भी आग लगी थी। बगीचा भी स्थापन हुआ था, तुम्हारा बगीचा अब गुप्त रीति से स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो हम बगीचा के फूल खुशबूदार देवता बनते हैं, उसका नाम ही है स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, वंडर है ना। तुम कितना भी लोगों को समझाओ परंतु किसी भी बुद्धि में बैठता नहीं यह ज्ञान। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर द्वापर कलयुग में संख्या की वृद्धि होती जाएगी। वहाँ 1-2 बच्चे होते हैं सतयुग और त्रेता युग में, 1 या 2। अब यहाँ 4-5 एक डजन भी होते हैं, 12 भी होते हैं, वृद्धि होती जाती है। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता है और हम ही अपने धर्म को भूल गए। यह भारतवासी ही भूले हुए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। इतने सब तो ज्ञान आकर के नहीं लेंगे, हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म भी ले होंगे वह जरूर पुराने भक्त होंगे, जिन्होंने सतयुग त्रेता द्वापर कली पूरा
ये साइकिल कंप्लीट किया हुआ है, वो पुराने भक्त है। तुम समझ सकते हो हमने कितनी भक्ति की है। अभी भी लोग कहते हैं ना, आप क्यों भक्ति नहीं करते हो, हमने बहुत भक्ति की है और वो उस भक्ति का फल अभी ज्ञान की प्राप्ति है, परमात्म प्राप्ति है। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ों को ही समझाएंगे। भक्ति थोड़ी की है तो ज्ञान भी थोड़ा ही लेंगे और थोड़ा ही समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे। ये देखो कितना बड़ा राज है। और बहुतों को समझाएंगे, ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते हैं, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा ही मिलता है। हिसाब है ना, बाबा को एक बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा तो इस्लामियों के इतने जन्म होते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग के बाद ही आते रहे सारे धर्म। बौद्धियों के इतने होने चाहिए, फिर सिख के इतने होने चाहिए, अपने अपने उनके टाइम के अनुसार। बुद्ध भी धर्म संस्थापक है, उनके पहले कोई बुद्ध धर्म नहीं था। बुद्ध की सोल प्रवेश करती है, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया, फिर एक से वृद्धि होती है, वह भी एक प्रजापिता है। अपने धर्म का वो क्या है, प्रजापिता है। एक से तुमको तो राजा बनना है नई दुनिया में, यहाँ तो तुम वनवाह में हो। दिखाते हैं ना श्री राम जी 14 वर्ष वनवाह में रहे, तो किसी भी चीज का शौक तुम्हें नहीं होना चाहिए। क्या शौक रहता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा अच्छा भोजन खाए। यह भी देह अभिमान है, जो मिला है सो अच्छा है। बोलो सभी, जो मिला वो अच्छा है। यह दुनिया ही थोड़ा समय है, यहाँ अच्छा कपड़ा पहना फिर सतयुग में कम हो जाएगा। देखो बाबा राज समझाते हैं। हर एक को, बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है, यहाँ ही बहुत ठाठ बाट से रहते हैं। बाबा कहते वहाँ कम हो जाएगा, यह शौक भी यहाँ छोड़ना पड़े। आगे चलकर तुम बच्चों को आप ही साक्षात्कार होते रहेंगे, तुम खुद कहेंगे यह तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, यह जरूर उच्च नंबर देंगे। फिर आप समान बनाते रहेंगे, दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं, बाबा कहते वह सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हम सभी देवी देवताएं प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो, तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में, और पद कहाँ लेंगे, अमर लोक में। ऐसी पढ़ाई कभी देखी है क्या, ये वंडर है। पढ़ना पुरानी दुनिया में और पद पाना नई दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, 100 साल का बताया ना, 5000 में 100 साल देखो कितने कम हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये बहुत छोटा सा युग है, इनमें ही बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है, तब बाबा कहते हैं लिखो शिव जयंती सो गीता जयंती। शिव जयंती सो गीता जयंती, और गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा आते हैं, सभी को गीता सुनाते हैं, और इस गीता की अध्ययन से, धारणा से साधारण मनुष्य श्री कृष्ण समान बन जाते हैं, देवी देवता बनते हैं। तो बाबा कहते इनको मनुष्य नहीं जानते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया है। यह बहुत बड़ी भूल की है। जब कोई समझे आकर के यहाँ, कितने बड़े बड़े आदमी भी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वह बाप को जानते हैं, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते फॉर्म भराओ तो पता लगे कि कुछ सीखा हुआ है, बाकी यहाँ आकर के क्या करेंगे। जैसे साधु संत महंत के पास जाते हैं, यहाँ वह बातें नहीं हैं। इनका तो वही साधारण रूप है, ब्रह्मा बाबा का साधारण ड्रेस, ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं है, इसलिए कोई समझ नहीं सकते हैं। समझते यह तो जौहरी था,
पहले था विनाशी रत्नों का जौहरी, अभी बने हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो, जो बड़ा सौदागर जादूगर रत्नागर है। तो हर एक अपने को समझे, हम रूप बसंत है। कौन है? रूप बसंत है। हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपयों के हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, यह भी समझने की बात है। कोई अच्छे सयानी हैं जो इन बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती तो कोई भी काम के नहीं है। समझो उसकी झोली में छेद है, ऊपर से ज्ञान सुन रहा है और नीचे से चला जा रहा है, छेद है ना, बह जाता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे, औरों को भी ज्ञान देंगे तो भरतू रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है, पढ़ते ही नहीं है, कायदे अनुसार चलते भी नहीं है। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है, पांच विकारों से तुमको बिल्कुल ही दूर जाना है। बाबा ने समझाया यह जो राखी बंधन है वह भी इस समय का है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते तो राखी क्यों बांधी जाती है। वो तो अपवित्र होते रहते, राखी बांधते रहते। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे, अब बहने भाई को बांधती है, इसलिए बांधती है खर्ची के लिए। वहाँ पवित्रता की बात ही नहीं है, बड़ी फैशन वाली राखियाँ बनाते हैं। यह दिवाली दशहरा अभी संगम का है, जो बाबा ने एक्ट की है वह फिर भक्ति मार्ग में चलती है। बाबा तुमको सच्ची गीता सुनाई, लक्ष्मी नारायण बनाते, अभी तू फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो, कितना नशा होना चाहिए। अब तो बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है, कितनी योग की ताकत चाहिए, जगाने के लिए क्या चाहिए? योग की ताकत चाहिए। योग की ताकत से ही तुम कलप कलप स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना और बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही दो है, अलप और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा? पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, जैसे खोका है, जैसे खोका है। कहाँ भारत स्वर्ग था और कहाँ भारत अब नरक है, रात दिन का फर्क है। रावण का बुद्ध बनाकर चलाते परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम अब समझते हो यह क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, ज्ञान में आने के पहले क्या था? अज्ञान था। अभी आज ज्ञान है, कल नरक में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो। रियली ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं, ओ स्वर्गवासी हुआ, माना स्वर्ग में गया। वो कहने मात्र कह देते हैं, बाकी प्रैक्टिकल वे तो नहीं जाता है। हमें जाना है। तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नर्क होगा ही नहीं। कितनी समझने की बातें है भी सेकंड की बात। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, यह सबको बताते रहो। बोलो लक्ष्मी नारायण जैसे हम थे, फिर 84 जन्म लेकर के यह बन रहे हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश नहीं होती, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना है। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते, मेरी बैटरी कभी पुरानी नहीं होती है। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा बिंदु समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार अनुसार। जो भी हमें शरीर मिला है वो भी संस्कार अनुसार। तो बाबा कहते अब आत्माओं को तो घर जाना है, यह भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र रिपीट होता रहता, पिछाड़ी में हिसाब निकाल कहते हैं दुनिया में इतने मनुष्य हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते कि इतनी आत्माएं हैं? बाबा कहते बच्चे मुझे कितना भूल गए,
फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है। शरीर का, शरीर की प्रगति के लिए बंदोबस्त हम करते रहते हैं, लेकिन आत्मा की प्रगति के लिए बाबा कहते हैं वो जिम्मेवारी मेरी है, मैं बच्चों को सुधारता हूँ। तो बाप को भूल जाते हो, बाप बच्चों को नहीं भूलते हैं। बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने, ये है गोमुख, बाकी बैल आदि की बात नहीं, ये भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा बाबा। बाबा तो बच्चों को कहते हैं शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। यह पक्का याद रहे, शिव बाबा को याद करने से ही तुमको बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा पढ़ाते तो इनको नहीं याद करना है, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, करना किसको है, शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि उनसे ही शक्ति मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है। सतगुरु तो एक ही शिव बाबा है, उस पर ही तुम्हें बलिहार जाना है। यह भी उन पर बलिहार गया ना, बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। बच्चे जाते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में, फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए। 63 जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते, पूजा आदि करते आए। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया ना। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे, देखो बड़े बहुत बड़े बड़े मंदिर। अभी भी हमने देखा ना तासगांव में, हमारे दास गणपति बापा का मंदिर कितना बड़ा है, तो राजा का महल कितना बड़ा होगा, ये मंदिर ही इतना बड़ा है। तो बाबा कहते कि हर एक राजा के पास मंदिर था, कितने हीरे जवाहरात थे उसमें। पीछे आकर के मुसलमानों ने चढ़ाई की, अंग्रेज भी आए बाद में, उन्होंने भी लूट लिया सारा। एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गए सोमनाथ के मंदिर का। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो, यह धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया कोई नहीं जानते। बाबा कहते 5000 वर्ष हुए लक्ष्मी नारायण के राज्य को, 2500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, अथाह मिल्कियत मिलती है, दिखाते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर भर करके ले आए। अब तुमको तो ज्ञात रत्नों की थालियां भर भर करके मिलती है, बाप तो है ही ज्ञान का सागर, कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई की बह भी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, यह ड्रामा में नूद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है, यह है ईश्वरीय स्कॉलरशिप। अविनाशी वह है विनाशी, सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है, 84 जन्मों की कहानी है ना। बाबा कहते हैं सीढ़ी को, सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलेट बनाओ जो दूर से ही बिल्कुल साफ दिखाई दे। ट्रांसलेट मनुष्य देख करके उसको वंडर खाए, फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहन करके जाते हो पिछाड़ी में आएंगे, देखो गारंटी दे रहे हैं बाबा। जो अभी फेरी पहन कर चक्कर लगा के 7 दिन का कोर्स करते हैं, घर में जाके बैठ जाते हैं, हम भी देख रहे हैं ना कितनी माताएं कोर्स की हुई अभी आ रही है, 15-20 साल पहले कोर्स किया है, अभी ज्ञान में आ रही है रेगुलर। 2-4 बार फेरी पहनी तकदीर में होगा तो जम जाएंगे, क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे बाबा को छोड़ करके। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है, मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे, योग से ही कशिश होगी, आकर्षण होगा, कशिश माना आकर्षण। जब तक कटर नहीं निकली होंगी तो किसको कशिश भी नहीं होंगे। यह सीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना है, धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। यह है ही ड्रामा, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, जिसने यह समझाया उसको याद करना चाहिए। बाबा को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं,
लेकिन वहाँ तो ओमनी प्रेजेंट है माया, यहाँ है बाप, क्योंकि सेकंड में आ सकता है। तुमको समझना चाहिए बाबा इसमें बैठा है, करण करावन हार है ना, करता भी है और कराता भी है। तो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं इस शरीर में वह हिसाब करो। बाबा खाते नहीं हैं, शिव बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं। अच्छा मीठे मीठे शिकिलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी छोड़ी अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है, बुद्धि रूपी जोड़ी में कोई छेद न हो, ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, पूरा वनवाह में रहना है, किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है, खुशबूदार फूल बन दूसरों को बनाना है। आज का वरदान है बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बातें बनाने में बहुत होशियार है, ऐसे बातें बनाते जो सुनते बाबा को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे भी प्रभावित हो जाते हैं। यह अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती है, इसलिए इसे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो, बाबा को देखो बातों को नहीं। ये बातें ही बादल है, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। अव्यक्त साइलेंस, अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो, हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो, एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैला सकेंगे। तो ऐसे बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।